जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत सारे लोग यदि जो लोग तंत्र दोष से पीड़ित हैं, तंत्र दोष से पीड़ित इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन या कोई तंत्र मंत्र का विद्वान जो मंत्र का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष या जो अनजान व्यक्ति, अनजान मतलब जो तंत्र मंत्र का जिसको ज्ञान नहीं है उसके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया कर देता है, इसके फलस्वरूप यह होता है कि उस सामने वाला व्यक्ति या उसकी पूरी फैमिली तंत्र दोष से पीड़ित हो जाता है और बहुत सारे बीमारियों से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जूझने लगता है। उसमें कई प्रकार की समस्याएं उन लोगों को आ सकती है, जैसे रात को नींद ना आना, सपने में भूत प्रेत दिखाई देना, कहीं जाने आने का मन नहीं करना, कुछ काम करने का मन नहीं करना। यदि इतना सब ठीक ठाक है उसके बाद भी यदि कोई व्यवसाय करता है, कोई जॉब करता है, तो जॉब में लगातार नुकसान होते जाना, साथ ही घर में कोई अदृश्य शक्तियाँ घूमती हुई नजर आना, और सबका दिमाग, घर में जो सब लोग हैं, सदस्य हैं, सबका दिमाग विचलित होना, किसी काम में ध्यान नहीं लगना, लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर। इस तरह की परेशानियाँ यदि घर के अंदर हो तो समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है वो या घर का जो और बाकी सदस्य हैं वो तंत्र दोष से पीड़ित हैं, और साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक संख्या में मौजूद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तंत्र दोष से पीड़ित यदि आप हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसान रास्ता दिखाएगा। जानना चाहते हैं इस उपाय के बारे में, इस मंत्र के बारे में, तो आप मेरे इस वीडियो पर बने रहो। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुप्त प्राचीन विद्या के संबंध में जानकारी सर्वप्रथम मेरी अपलोड करते ही आपको मिलती रहे। चलिए आपको बताता हूँ कि इस प्रकार की समस्याओं से आप ग्रस्त हैं तो आपको क्या करना है। आपको सामने जो भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, उसको बिठाना है, या आप स्वयं हैं तो आप स्वयं बैठ जाइए और सामने वाले व्यक्ति को बोलिए कि ये मंत्र का जाप आपको करना है, झाड़ा करना है इस मंत्र का। तो यदि आप नहीं हैं पीड़ित या कोई दूसरा है तो उसको बिठाइए सामने में। बिठाने के बाद थोड़ी सी सरसों और कोयला और साथ में मिर्ची, तीनों चीज़ें रखें। रखने के बाद उन तीनों को हाथ में पकड़ें, और पकड़ने के बाद 7 बार इस मंत्र को, जो इस वीडियो के अंत में आपको बताने जा रहा हूँ मैं, आपको डिस्प्ले भी दिखाई देगा, उसको आपको 7 बार पढ़ना है, और 7 बार फूंक मारनी सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को, और 7 बार सर से लेके पांव तक उतारा करनी है इस कोयले, सरसों के जो बीज है उससे, और काली है जो मिर्च है उसका, 7 बार फूंक मारकर मंत्र पढ़कर उतारा करने के बाद इन चीज़ों को, मतलब मिर्च, सरसों और कोयला, तीनों को आपको जलती हुई आग में झोंक देना है, डाल देनी है। इससे आपके ऊपर जो भी मंत्र है वो वापस जिसने किया होगा उसके तरफ वापस चला जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। ऐसे ही करना है आपको लगातार, आपको यदि 15 दिन भी आप लगातार करते हैं तो आपके ऊपर जो भी तंत्र दोष है वो वापस आपके शरीर से निकल कर बाहर उसके पास चला जाएगा, जिसने ये दोष या जो शक्ति आपके ऊपर किया हुआ है, जिसने किया करा है, किया हुआ, जिसने भेजा है उसके ऊपर चला जाएगा, और आप इस तंत्र दोष से जो पीड़ित हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, एक बात और है कि इसमें इस मंत्र को पहले सिद्ध करनी होती है, सावन मंत्र है तो सावन मंत्र को सिद्ध करनी होती है। एक बात और बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री की जरूरत सावन मंत्रों में नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब इस प्रकार करने से आप तंत्र दोष से पीड़ित हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो सावर मंत्र को सिद्ध करनी पड़ती है, तो सावर मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, मेरे ही चैनल पे आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको सावर मंत्र को कैसे सिद्ध करें ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब आता हूँ इसके मंत्र की ओर। मंत्र इस प्रकार है, हनुमान जी का सशक्त मंत्र है ये, इसे तंत्र वापसी होगी ही होगी। मंत्र है, ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई, गुनिया के जो गुण काटो तो इसमें नहीं मनाई, दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की, दुहाई रामचंद्र माता सीता की, दुहाई बजरंग बली हनुमान जी की।
शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को सिद्ध करके यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप यकीनन तंत्र दोष से पीड़ित हैं, तो आपको ये मंत्र तंत्र दोष से मुक्ति दिलाएगा। तो आज की इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करके अपने आप को तंत्र बाधा के दोषों से मुक्त कर सके और स्वस्थ हो सके। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।